वाह वाह, आतिफ भाई ने कमाल कर दिया। मैं डर रहा था कि वो कमरे में सो गए होंगे, लेकिन वक्त से पहले ही मीटिंग के लिए निकल गए। हाथी भाई के दिल में भी देशभक्ति की मशाल चल रही है। हाँ, अभी हाथी भाई मीटिंग के लिए टाइम पे पहुंच जाएंगे और हमारे मिशन का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। लेकिन पोपट भाई, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की? हाथी भाई ये स्टिंग ऑपरेशन ठीक से कर पाएंगे ना? अरे तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी भाई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे, स्टिंग ऑपरेशन थोड़ी ना किया होगा। हाथी तुम टेंशन मत लो, देखो हमें इस मिशन के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो बहादुर हो, बाहोश हो, स्मार्ट हो, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मुझे पता है हाथी भाई हमारे इस मिशन के लिए परफेक्ट है। पोपट भाई आप पत्रकार नहीं है, आप गोताखोर हैं। क्या? हाँ, जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाके मोती ढूंढ कर ले आते हैं ना, वैसे ही आप हाथी भाई को चुन के ले आए। अच्छा हाँ, देखना अभी कुछ ही देर में हाथी भाई अपने हिडन कैमरे में सब कुछ कैद कर लेंगे और दवाइयों की काला बाजारी करने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा और हमारा मिशन काला कौवा सक्सेसफुल हो जाएगा। आज तो उस बदमाश को पकड़ के ही रहूंगा जिसकी वजह से जरूरतमंदों को वक्त पे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे भारत देश के दुश्मनों को जेल में पहुंचा के ही रहूंगा। हाँ बोलो। मिस्टर मालपानी नीचे आ गए हैं और वो स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रहे हैं। गुड, वो लगता कैसा है, मतलब हुलिया क्या है, कपड़े क्या पहने हैं? सर उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, फ्रेंच बियर्ड है और सुमो पहलवान जैसे दिखते हैं। अच्छा ये बताना उसके साथ यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं दिख रहे। फिर भी उन पर नजर बनाए रखना, एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए उसके ऊपर से। डोंट वरी सर, कोरोना की वजह से वैसे ही होटल में भीड़ कम है, नजर रखना आसान हो रहा है। ये कोरोना की वजह से हमें बिजनेस करना कितना आसान हो गया है, कोरोना हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही है सर, लोग कोरोना से डरते हैं और हम देखो हमारे घर भरते हैं। डॉक्टर मालपानी जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आए तुम मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओके, कैश है तो ऐश है। पोपट भाई, हाथी भाई स्विमिंग पूल तक पहुंच गए होंगे, चलिए ना हम भी जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन लाइव देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये लाइव देखेंगे मजा आएगा। हम हाथी भाई के आसपास भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे अभी हम हाथी भाई के पीछे पीछे रिसोर्ट में आए हैं, उनका नंबर लेने के लिए हम रिसेप्शन तक गए थे, अभी उनके कमरे के बाहर पकड़े गए। वो लोग बहुत शातिर है, हम हाथी भाई के आसपास घूमेंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम स्विमिंग करने के बहाने जाते हैं, रिसोर्ट में स्विमिंग तो कर ही सकते हैं ना। तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाई हो? नहीं, वो जल्दी जल्दी मैं भूल गई। ऐसे करते हैं, आप स्विमिंग करना और मैं पूल साइड रेस्टोरेंट में बैठ के मॉकटेल पीऊंगी, कैसा है आइडिया? वाह, देखा पोपट भाई, मेरा आइडिया सुन के आप दंग रह गए ना। हाँ, दंग रह गया। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, हम यहाँ काला बाजारियों को पकड़ने आए हैं। जरा सोचो, मैं स्विमिंग पूल में गया और ये वीग मेकअप सब निकल गया तो हाँ सबको पता चल जाएगा कि मैं बाहर से कोई और अंदर से कोई और हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं, आप दूरबीन हो। आप कितना दूर का सोचते हो। अरे हाँ, दूरबीन से याद आया, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने साथ दूरबीन लेके आना, तुम लाई हो या भूल गई? लाई हो ना, दूरबीन कैसे भूल सकती हूँ, दूरबीन तो मेरा फेवरेट टॉय है, मैं रोज टेरेस पे जाके उड़ते हुए पंछियों को देखती हूँ। अभी हमें वही करना है, अभी हमें उड़ते हुए पंछियों को देखना है। अरे नहीं, टेरेस पे जाके हाथी भाई को देखना है, वहाँ से हम हाथी भाई को देख पाएंगे लेकिन हमें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ। चलो जल्दी, किसी भी वक्त उनकी मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक मिनट, टेरेस बंद होगा तो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो करना पड़ेगा,
आप ही कहते हैं अच्छा पत्रकार हमेशा सवाल करता है। अरे हाँ मेरी बहना, सवाल तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सवाल कब करना, कौन सा करना। हम टेरेस पे जाएंगे तो पता चलेगा ना कि टेरेस खुला है कि बंद है। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, वहां जो मेन गेट है ना, हाँ बस वहीं पे। कहाँ गए भगवान का?